हेलो फ्रेंड्स, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पार्ट 3। पहला क्वेश्चन देखिए। इफ 11 रूट एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 112 प्लस रूट ऑफ 343 देन द वैल्यू ऑफ एन इज, यदि 11 रूट एन इज इक्वल टू रूट ऑफ 112 प्लस रूट ऑफ 343 है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम 112 के फैक्टर बनाएंगे। 112 के फैक्टर बनाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 56, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 28, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 14, और फिर 2 से करेंगे तो 7। तो हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो मतलब हम 112 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7। अब इसके बाद 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 16। तो ये आ गया 16 मल्टीप्लाई 7, और 6 ऊपर रूट है सारे पे, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। तो ये 112 की वैल्यू हमारे पास बन गई 4 रूट 7। और अब 343 के फैक्टर बनाओ। 343 होता है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7, या फिर 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। अब इसके ऊपर रूट है तो ये हमारे पास बन गया 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, इसका रूट सारे का। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और बाकी बच गया 7 अकेला, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 रूट 7, और एक हमारे पास था 4 रूट 7। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 7 और 4, और रूट 7 यहाँ पे सेम है, तो 7 और 4 11, तो ये बन गया हमारे पास 11 रूट 7 इज इक्वल टू 11 रूट n। अब 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब n की वैल्यू, रूट n की वैल्यू रूट 7 आ गई, हमें पूछिए n की वैल्यू। n की वैल्यू लाने के लिए स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आएगा n इज इक्वल टू 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इलेवन एक्स माइनस 16y प्लस 7a प्राप्त करने के लिए 5y माइनस 13x माइनस 8a में से क्या घटाना चाहिए। मतलब कि एक सिंपल सा एग्जांपल लो, 8 में से क्या घटाया जाए कि हमें 3 मिले। मतलब कि x को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मतलब कि 8 में से अब 3 प्राप्त करने के लिए 8 में से क्या घटाना पड़ेगा, 8 में से 3 को ही घटा दिया हमने। तो इसी तरह से ये लाने के लिए हमें इसमें से क्या घटाना है, तो इसमें से यही नंबर घटा दो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसमें से ये नंबर घटाएंगे हम, तो हमारे पास है 5y माइनस 13x माइनस 13x माइनस 8a। अब इसमें से हम ये घटाएंगे, तो अब देखिए ऊपर वाला घटाएंगे तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस ही सारे साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा।
अब देखिए हम इसमें से ये घटा रहे हैं, तो वाई फाइव वाई में से 16y माइनस करो, तो 16y ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फाइव फाइव प्लस 16y तो 21y। अब एक्स माइनस 13 माइनस 11, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 13 माइनस 11 तो ये हो गया माइनस 24x। अब आगे माइनस का 8 है और प्लस का 7 है, तो माइनस 8 और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 8 माइनस माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15, माइनस 15a ये आंसर हो जाएगा। एक 21y माइनस 24x माइनस 15a तो ये बी आंसर है। अब इसमें ऐसे भी दे सकता है, इसमें से इस इक्वेशन को तीन से डिवाइड भी कर सकता है, अगर ऑप्शन में ये ना हो ना तो तीन से डिवाइड भी मिल सकती है, तो तीन से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5, तो 7y माइनस 8x माइनस 5 है, ये भी आंसर हो सकता है हमारा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछली क्लास में आपको करवाया था, ये तीनों वैल्यू बराबर दे रखी हैं, तो इनको हम के बराबर मान लेते हैं, तो इनको के बराबर मानेंगे, तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स इज इक्वल टू के, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो एक्स एक्स से वही बताया था, एक्स पावर से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स पावर से डिवाइड करेंगे तो एक्स से यहाँ से एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो के की पावर 1/x इधर डिवाइड करेंगे मैं, तो मतलब के की पावर 1 है और अपॉन एक्स हो जाएगा, तो एक्स की ए की वैल्यू हमारे पास के की पावर 1/x आ गई। इसी तरह बी की वैल्यू हमारे पास के की पावर 1/y आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी के की पावर 1/z। अब देखिए बी स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ए सी ए मल्टीप्लाई सी, तो हमें बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, बी की वैल्यू हमारे पास आई है के की पावर 1/y, ठीक है, और इसका स्क्वेयर, और ए सी ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, के की पावर 1/x मल्टीप्लाई के की पावर 1/c की वैल्यू जेड। अब देखिए कोफिशेंट सेम हो गया, मल्टीप्लाई है, पावर इक्वल रख सकते हैं, तो पावर इक्वल रखने के बाद हमारे पास के की पावर 1/y मल्टीप्लाई 2, तो 2/y हो जाएगा, तो 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस, मल्टीप्लाई में पावर हमेशा प्लस होगी, ऐड होगी, प्लस सी की पावर थी हमारे पास 1/z। अब यहाँ से हमें सिर्फ चाहिए वाई की वैल्यू, तो हमें यहाँ से एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद ये आ गया एक्स जेड एलसीएम, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो जेड प्लस एक्स 1/xz। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो था 2 × xz इज इक्वल टू वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y × x प्लस जेड। अब हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो वाई की वैल्यू चाहिए तो ये इधर मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2xz/x+z, 2xz/x+z ये इसका आंसर हो जाएगा, तो मतलब बी ऑप्शन राइट है हमारा। मतलब अपने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब तीनों की वैल्यू बराबर दे रखी है, इनको के बराबर मान लिया हमने, के बराबर मानने के बाद हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो बी की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास आई थी के की पावर 1/y, 1/y और इसका स्क्वेयर, और ए गुणा सी दे रखा है,
ए गुणा सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू थी के की पावर वन अपॉन एक्स और सी की वैल्यू थी वन अपॉन के की पावर वन अपॉन जेड। अब इसको कोफिशेंट हमारे पास सेम आ गया तो पावर बराबर रख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी। पावर पर बराबर रखने के बाद एलसीएम लेके हमारे पास बी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 64 है तो x की वैल्यू क्या होगी? अब देखिए 64 को 2 की पावर में फैक्टर बना लो, मतलब 64 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास 64 के फैक्टर बनेंगे तो 64 2 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 4। अब 4 को हमें पता है 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये हो गई 2 की पावर 3 और 2 5, तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इज इक्वल टू, हमारे पास 2 की पावर 2x है ऑलरेडी। अब देखिए कोफिशेंट बराबर आ गया, सेम आ गया तो पावर बराबर हो सकती है, हम इस पावर को बराबर रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 5 देखिए 64, हमें गलती कर गए, 64 होता है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 होता है, 5 नहीं होता, तो हमारे पास ये आ गया 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब कोफिशेंट बराबर सेम है तो पावर इक्वल रख सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू पावर 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो पावर पावर बराबर रख ली तो x की वैल्यू यहाँ से 2 3 6 3 आ गई, तो बी ऑप्शन राइट आंसर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन। यदि एक फलन, फलन का मतलब होता है इंग्लिश में फंक्शन, आर टू आर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ये, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 22 द्वारा परिभाषित होता है, तो एफ इनवर्स फोर की वैल्यू निकालनी। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है ये, वैसे करेंगे तो बहुत लेंथी होगा, लेंथी मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेंथी ज़्यादा लेंथी तो नहीं है बट थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसा करो, इसकी शॉर्टकट बताता हूँ आपको। f इनवर्स 4 है हमारे पास, f इनवर्स 4 है तो ऑप्शन उठा लो आप, सबसे पहले ए ऑप्शन उठाया, x की वैल्यू हमने -3 पुट की, -3 पुट करने के बाद x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 27 प्लस 22। अब इनको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 4 आना चाहिए, अब ये कैलकुलेट करेंगे तो 4 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब अगला ऑप्शन उठाएंगे 3 और -6, 3 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 9 27 27 प्लस 22, अब 22 और 9 31 माइनस 27 4 आ रहा है, अब 6 और पुट करके देखना पड़ेगा, -6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 54 नौ छक्की 54 प्लस 22, अब ये करेंगे तो 4 नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर 3 उठाएंगे, 3 उठाएंगे तो 3 का तो हमने देख लिया था 4 आ रहा, तो 6 पुट करो इसमें, 6 पुट करने के बाद 6 का स्क्वायर 36 माइनस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 प्लस 22, तो ये हो जाएगा 36 और 22 58, 58 में से 54 गए तो 4 आ रहा है हमारा, तो ये ऑप्शन राइट हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर टेन आई माइनस टेन जे मीटर पर सेकंड का परिणाम क्या है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर सारे का रूट, मतलब एक्स यहाँ पे आई के साथ जो कोफिशेंट आएगा उसकी वैल्यू, प्लस वाई होता है जे के साथ कोफिशेंट आता है, जे इसमें है नहीं तो इसको जीरो मान लेंगे, और प्लस के साथ कोफिशेंट आता है वो होता है जेड, हमने जेड मान लिया। तो यहाँ पे एक्स के कोफिशेंट की वैल्यू आ रही है टेन, टेन का स्क्वायर होता है सौ, प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो, जे का हमारे पास कोफिशेंट नहीं है कुछ भी तो हम इसको जीरो मान लेंगे, और माइनस टेन, माइनस टेन का स्क्वायर होता है सौ ही होता है, तो प्लस सौ सारे का रूट, सौ और सौ दो सौ, तो ये हो गया रूट दो सौ। अब देखिए रूट दो सौ का हम सौ गुणा दो, सौ दो लिख सकते हैं, सौ गुणा दो, तो रूट दो सौ की वैल्यू होगी सौ गुणा दो, इसका सारे का रूट, 200 के फैक्टर बना दिए मतलब हमने। अब 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है 10 होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है 100, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन रूट टू। अब टेन रूट टू ये तो आंसर में है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं, अब हमने पढ़ा हुआ है रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, तो 4142 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो 10 मल्टीप्लाई 1.414 ये रिपीट होता चला जाएगा आगे तक, तो इसको मल्टीप्लाई करने तो अप्रोक्स हमारा ये ऑप्शन आएगा 14.1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, यदि ए एक 3×3 मतलब 3rd डिग्री मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ये, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 दे रखा है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट दे रखा है, डिटरमिनेंट बोलते हैं इसको, ए डिटरमिनेंट हमारे पास 3 दे रखा है ये रहा, तो 2A डिटरमिनेंट ऑफ 2A इनवर्स पूछ रखा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2A इनवर्स देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला निकालेंगे हम, तो 1 अपॉन इनवर्स पूछ रखा है, इनवर्स में 1 अपॉन हो जाए उल्टा हो जाएगा, 1/2 ए डिटरमिनेंट के हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी 3 है। अब देखिए 2 के साथ 2 की हम पावर कितनी करेंगे, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास, हमारे पास है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3rd ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स उतनी पावर कर देंगे 2 की, तो 2 की पावर 3 कर दिया हमने यहाँ पे, तो 2 की पावर 3 हो गई, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई, अब ए का जो कोफिशेंट जो आ रहा है उसके कुछ भी आ रखा है, वो मान लिया हमने एन मान लिया, और कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसकी पावर जो भी है एक्स पावर मान ली हमने, तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसकी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए अब इसके पास, इसके बाद हमारे पास 1/2 की पावर 2 इसका कोफिशेंट हो गया, 2 की पावर 3 करेंगे हम, 3 क्यों की हमने, क्योंकि 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, और मल्टीप्लाई हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है 3, अब इसको सोल्व कर दो, 2 की पावर 3 होती है 8 और मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 1/24, ये उसका आंसर होगा, बी ऑप्शन इज राइट।